सेक्रेटरी ने रची ग्राम प्रधान को बदनाम करने की नाकाम साजिश। जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र के गांव भैसोड़ा में ग्राम प्रधान को बदनाम करने की नाकाम साजिश करते हुए सेक्रेटरी ने ग्रामवासियों से जबरन एक एप्लीकेशन पर साइन करवा लिया, जिसमें ग्राम प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया और मीडिया के माध्यम से उसको प्रकाशित कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? इमरान खान। कहाँ के निवासी हैं? भैसोड़ा निवासी। आपके जो ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि शिकायतकर्ता में आपका भी नाम था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमसे कहा उसने सेक्रेटरी ने, बोले आप नाम लिखो अगर मतलब आपने पैसे दिए हैं तो। मैंने, हमने पैसे नहीं दिए, हम नाम क्यों लिखें? ये जो ग्राम प्रधान की छवि को धूमिल करने के लिए सेक्रेटरी द्वारा आपसे जबरदस्ती नाम लिखवाया जा रहा था। सेक्रेटरी बोले वो नहीं दिए तो अभी तुम साइन कर दो। मैंने कहा ऐसा साइन नहीं करेंगे हम, तुम तो आज हो कल नहीं हो, प्रधान हमारा गाँव का है, आज भी है कल भी रहना है, हारने के बाद में भी जीतने के बाद। क्या नाम है सर आपका? जाहिद। जाहिद जी, कहाँ के निवासी हैं आप? आपकी जो ग्राम प्रधान है उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उस शिकायत में आपका भी नाम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान सही है हमारे यहाँ के, हमने कोई पैसा नहीं दिया प्रधान जी। जो शिकायत में आपसे जो नाम लिखवाया गया, क्या जबरदस्ती नाम लिखवाया गया था? हमसे धोखेबंदी में करवाया था। किन ने लिखवाया था आपसे नाम? दो तीन जने थे, अब्दुल थे और जमील चौकीदार थे। अच्छा, प्रधान जी द्वारा आपसे कोई पैसा लिया गया किसी भी काम के लिए? नाम से मांगा प्रधान। आपको बताते चलें कि विकासखंड असमौली के भैसोड़ा ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ज्यादा कमीशन को लेकर ग्राम प्रधान से कहा सुनी हो गई। ग्राम प्रधान का कहना है कि मैं गांव में विकास कार्य करा रहा हूं, तो ज्यादा कमीशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस इस बात से बौखलाए सचिव ने कहा कि तुमने आवास के नाम पर लोगों से पैसे लिए हैं। इसकी जानकारी जब ग्रामवासियों से की गई तो ग्रामीणों ने कहा कि आवास के नाम पर ग्राम प्रधान ने हमसे कोई वसूली नहीं की है, वह सरासर गलत है, बल्कि उल्टा ही सचिव ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रहा है। ग्रामवासियों एवं प्रधान को जब अखबार के माध्यम से इस बात का पता लगा तो सभी ने प्रधान जी के आवास पर जाकर इस बात का खंडन किया, तो पता ये चला कि बौखलाए सचिव ने ग्राम प्रधान पर झूठे आरोप लगाए हैं। क्या नाम है सर आपका? जाकिर नाम। कहाँ के निवासी हैं सर? आपके जो गांव के प्रधान है उन पर आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उन्होंने पैसा लिया है जनता से, जिसमें कि शिकायतकर्ता में आपका भी नाम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सब झूठ है। तो क्या किसी की दबाव के कारण आपने ये नाम लिखे थे शिकायत? नहीं सर, हमें कोई मालूम ही नहीं इस चीज़ का। क्या था ये पूरा मामला? इसका मामला ये था, ये लोग हो सकता है अपने चक्कर में हों और प्रधान जी को बदनाम कर रहे हूँ। किनके द्वारा बदनाम किया जा रहा है प्रधान जी को? प्रधान जी को इन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, कि पैसे दिए इन लोगों को और पैसा दिया नहीं है और बदनाम कराया जा रहा है। आपसे प्रधान जी ने कोई पैसा लिया किसी भी योजना के नाम पर आज तक? क्या गांव में प्रधान जी द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं? कराए, क्यों नहीं कराए? आपके जो ग्राम प्रधान है इन पर आरोप लगाया गया है कि उसमें शिकायतकर्ता में आपका भी नाम है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे, ये कहना कोई भटी है हमारे में, ये अपने उल्टे सीधे साइन करा रहे हैं। वैसे हमारे आज तक हम एक परिवार से पैदा हैं और एक ही परिवार में पले बड़े हैं, इतने बड़े हो गए ऊँट की तरह, अब तो आम पका पड़ा है। क्या प्रधान जी द्वारा आपसे किसी योजना के नाम पर पैसा लिया गया है? प्रधान जी द्वारा उल्टे पैसे हमें देने हैं बजाय लेने के। अच्छा, क्या ये जो प्रधान जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, किनके द्वारा की जा रही है? यहाँ से ये है कि कुछ जमातुल कसार हैं, जिन्हें आप कही जा रहे हैं जमातुल कसार पर, 10 साल पहले इन्हें कुछ ना क्या कर रहे हैं, यही करना था और कुछ ना कर सकते। प्रधान जी, जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या था पूरा मामला और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल गलत है, झूठ है, ठीक है। ये जो एक सचिव को हटाने के चक्कर में मामला था, तो सचिव के द्वारा ये आरोप लगाए गए, ग्रामीणों को बुला के ब्लॉक में 4-5 लोगों को, और उसने सचिव ने ये बात कही उनसे कि भाई इस पर साइन करो तब तो तुम्हें आवास मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और मामला क्या है, उसका हिसाब प्रधान जी ने 10,000 रुपये लिए हैं और ये आरोप लगाओ प्रधान को, क्योंकि मुझे वो हटवा रहे हैं और मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधान जी दबाव में हिंदुओं के करा रहे हैं और मुसलमानों के कटवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये आरोप हमारे ऊपर लगाए, जबकि ये आरोप हमने ना किसी को रुपया लिया है और ना ही ग्रामीणों को रुपया हमें दिया है। जिन ग्रामीणों के नाम है शिकायत में, उनसे आपने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? हाँ, जिन आरोप में जिन ग्रामीणों के नाम है उनसे हमने एक एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने बिल्कुल खंडन कर दिया इस बात को, बोले हमने ना ही कोई रुपया आपको दिया है और ना ही हमने कहा है, कहीं ना हमारे कहीं साइन है, ये फर्जी साइन है, फर्जी तरीके से इल्जाम लगाया गया है।